दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि SBI का जो सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ये आपको SBI का सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म है, जिसमें कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे सर्विसेज को अगर आपको लेना चाह रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके आप बैंक के द्वारा, SBI बैंक के द्वारा आप इस सर्विस को आप ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको पूरा भर के मैं आपको सही तरीके से दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे लोगो दिख जाएगा। उसके बाद जो भी आपका ब्रांच होगा, ब्रांच का नाम आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपका जो पर्सनल डिटेल होगा, जिसमें कि आपका नाम आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर इसमें एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो आपका अकाउंट का टाइप होगा, करंट होगा, सेविंग होगा या रिक्यूरिंग होगा, जो भी है उसमें आपको यहाँ टिक कर लेना। तो यहाँ पे करंट अकाउंट पे हम टिक कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच जो है, ब्रांच यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद अपडेट द पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला कॉलम में यहाँ पे ईमेल एड्रेस में आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पे इंटर कर लेना। उसके बाद आपको एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर लेना। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लेंगे। रेसिडेंशियल नंबर में आपको अगर होगा तो उसको इंटर कर लेंगे, नहीं होगा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ऑफिस नंबर में भी आप नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो पैन नंबर होगा, पैन नंबर यहाँ पे दे दीजिए। जिसमें आप स्टार देख रहे हैं वो मैंडेटरी है, जो भी स्टार जिसमें लगा हुआ वो मैंडेटरी है। आधार नंबर आपको यहाँ देना मैंडेटरी है। इसमें आपसे पूछा जाए कि अगर आप आधार को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर लेंगे। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद पासपोर्ट में अगर आपका नंबर होगा, पासपोर्ट नंबर होगा तो उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट होगा, उसको भी आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे चेंज एड्रेस का ऑप्शन है, अगर कोई भी एड्रेस को में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि रेसिडेंट हो गया, परमानेंट हो गया, ओवरसीज़ हो गया, उसके बाद क्रॉस्पॉन्डेंस हो गया, इसमें से कोई भी एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस एड्रेस को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद जो सर्विसेज को आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्विस रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, जिसमें कि आपका चेकबुक है, डेबिट कार्ड पिन रिक्वेस्ट है, उसके बाद मंथली ई स्टेटमेंट आपका जो आपका ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपका बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट डुप्लीकेट TDS सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद डुप्लीकेट पासबुक अगर आप चाहिए, या फिर आपको SBI कार्ड को आपको लिंक करना हो, तो इतने सारे भी सर्विसेज है। तो हम यहाँ पे जो सर्विसेज को यहाँ पे लेने वाले वो चेकबुक के लिए, तो चेकबुक पे हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चेकबुक वाला ऑप्शन में आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे भी उसके बाद आगे का ऑप्शन है कि आपको 10 पेज का चाहिए, 25 पेज का चाहिए, 50 पेज का चाहिए या उससे ज़्यादा का चाहिए, तो यहाँ पे नंबर आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं 50 पेज का, तो यहाँ से 50 पेज पे टिक कर लिए। उसके बाद इसमें से और कोई भी अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उस वाले ऑप्शन के सामने जो बॉक्स है उस पर टिक कर लेना है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप करके आपको बैंक में जमा कर देना होगा। तो जो भी सर्विसेज के लिए आपने यहाँ पे टिक मार्क किया है, उस सर्विसेज आपको कुछ ही दिनों में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बस इस फॉर्म में इतना ही था कि इस तरह से आप सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।